ये चाबी, यह है किताब मोनू सागर के नाम से है। ठीक है, ये चीज़ें यहीं रहने देते हैं। फिलहाल चलते हैं गाड़ी के पास और गाड़ी की पहली राइड मारते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये अपनी गाड़ी, चाबी ऑन, तो चलते हैं इसकी राइड पे और देखते हैं कि क्या इसका एक्सपीरियंस है। फर्स्ट राइड इसकी आज मैं मारने वाला हूँ, 3-4 दिन हो गए, पहली राइड मारते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है और मज़ा आता है या नहीं, क्या कंफर्टेबल है हमारे लिए या नहीं है, ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे इसमें। और चलते हैं राइड पे, चालू रहने देना। गाड़ी लोग कहते हैं कि इसके अंदर वाइब्रेशन BS4 में है, पर वाइब्रेशन के मामले में मेरे को नहीं लगता कि कुछ है। हाँ, थोड़ा सीट से दिक्कत आ रही है यार, सीट इसकी काफ़ी हार्ड है और इसका जो स्पंज है बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रखा है, मज़ा नहीं आ रहा। अभी एक बार चलते हैं गड्ढों में कि जो मेन रॉयल इनफील्ड को चलाने के लिए फील आता है ऑफ रोड ड्राइविंग, वो देखते हैं कि इसमें ऑफ रोड ड्राइविंग करने लायक है या नहीं है, लद्दाख राइड इस पे हो पाएगी या नहीं, सारी चीज़ें हैं। सीधे चल लेते हैं गड्ढों में की तरफ। ओह यार, ये तो पीठ में काफ़ी दर्द कर रही है, सीट काफ़ी हार्ड है, पता नहीं इसका कोई सलूशन है या नहीं है। इसके लिए क्या मैं गद्दी चेंज करूं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रखी, बैक पेन हो जाएगा लंबी लॉन्ग राइड। ओह माय गॉड, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना, हमारे अंदर हड्डियाँ जो पसली जिसको बोलते हैं, टांड अप कर रही हैं आपस में। ओहो, इतने छोटे मोटे गड्ढों में इतना बुरा हाल है इसका यार, जब लद्दाख जाएंगे क्या हाल होगा। ओ तेरी, खाया पिया सब निकल जाएगा। हमारे जो हाईवे वाली रोड होती है ना, प्लेन रोड में तो ठीक काम कर रहा है, पर जैसे ही अड्डे गड्ढे चालू होते हैं ना, इसमें तो हमारे बम में दर्द हो जा रहा है, जो हमारे बम है पूरी तरीके से। और मतलब मेरे ख्याल से तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलने पे हालत ख़राब हो जाएगी, इसका कोई तो सलूशन करना ही पड़ेगा। तो चलते सीधे दुकान पे, मेरे पास फिगो की तरफ से एक सीट आ रखी कहूँ तो, सीधे देखते हैं क्या वो सीट क्या काम करती है, क्या वो मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाएगी। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। मेरे को खाली इसी सीट पे इतनी बड़ी राइड तो मैं बहुत ही मुश्किल है कर पाऊँ, तो मेरे को थॉटल की तरफ से एक सीट आई है, एयर सस्पेंसर सीट, ये बहुत ही कमाल की, मैंने अभी फ़िलहाल एक बार यूज़ कर रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका रिव्यू कि कैसे इसको फिट कर सकते हैं और क्या इसके अंदर ऐसी चीज़ है जो इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल राइड कर देती है हमारी। अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो ये आपको 2199 मतलब 2200 रुपये के आसपास पड़ेगा और इतना बैग मिलेगा। इसके साथ एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कवर जो बारिश से हमें इससे भीगने से बचाएगा, तो इसका एयर कवर है ये। अब मैं दिखाता हूँ, इसके साथ दो बेल्ट आती हैं, ये अपना काफ़ी अच्छा काम करती है। अभी इसके अंदर क्या है जिससे मतलब कम्फर्टेबल राइड बनती है, तो मैं इसे खोलता हूँ, और इसकी जिप भी काफ़ी अच्छी है। अब ये रहा इसका एयर बैग ही कहेंगे, और ये काफ़ी सारे मतलब पीस हैं इसके, और सब एक आपस में इंटरकनेक्ट हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक नॉर्मली यहाँ से आप हवा भर सकते हैं और यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, देखिए आवाज़ आ रही ना, और ऐसे यहीं से भर के तो नॉर्मली आप ऐसे हवा भर के अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग के कितना आपको कंफर्टेबल लग रहा है उसके हिसाब से इसे आप रख सकते हैं और दोबारा इसके अंदर फिट कर दें इसको। और मैंने देखा कि काफ़ी बढ़िया है, और इसकी जो क्वालिटी है लेदर की बहुत ही कमाल की क्वालिटी है। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार प्राइस महंगा है, अगर रॉयल इनफील्ड लवर्स हैं लॉन्ग राइड करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इसके जिप जो बेल्ट हैं, ये चैन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो अब मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कैसे फिट करते हैं। देखिए यहाँ से इसका हुक कैसे निकालना है दोनों के, और ईजी बिल्कुल आराम से रखते हैं ऐसे सीट पे,
और फिट कर देना है। मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। अब देखो ये बेल्ट है, ये बेल्ट हमारी दूसरी साइड से निकालना है हमें, सीट के नीचे से। और यहाँ से निकालने के बाद नहीं, देखिए इस तरीके से निकाल के बिल्कुल इजी टू इंस्टॉल है, और हुक भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, और दूसरी को भी आप फिट कर सकते हैं। और यहाँ पे सीट जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आपको थोड़ा पीछे चाहिए या आगे चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि इससे हमें क्या बेनिफिट है। अब देखिए हमारे जो हिप्स हैं काफ़ी अच्छा और पूरा बिल्कुल पूरा रिलैक्स मिल रहा है उनको। और अगर आपके भी हिप्स में या बैक प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल रहेगा। इवन आपके पास रॉयल इनफील्ड नहीं है, बाइक है, तब भी आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आपके घर में किसी को पेन है, बैठने में दर्द होता है, उसके लिए भी ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा रिलैक्सफुल है, चलाने में कोई ऐसा नहीं कि आगे पीछे को हिलेगा, तो मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। अब बात कर लेते हैं ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो मेरे पास थोटल की तरफ से आया था, उनका जो रेफलर रिंग है मेरे नीचे है। आप अगर इसको बाय करते हैं तो आपको हेलमेट स्टिकर मिल सकते हैं, और इवन जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है आप इसको भी बाय कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी और बहुत ही मतलब हल्की है, आपको गर्मियों में पहनने के लिए काफ़ी अच्छी है। देखिए और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, इजी है। और ये देखिए मेरे को सबसे बढ़िया यही लगा इसका, मेरा काम हो गया मेरे लॉन्ग राइड के लिए। मेरा सबसे सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप भी एक लॉन्ग राइड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे यार हिप्स पर मतलब जो बैक है, आपका जो बैक प्रॉब्लम है वो, उसका सिंपल सोल्यूशन यही है। तो मेरे को तो लगा आपको एक वीडियो बना के बताना चाहिए। आपकी क्या राय है, आपको ये बाय करना है या नहीं करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।